आधा वर्जन। फरमाइए मिजाज कैसा है? शुक्र खुदा के बंदे पीरे मुगा हूं मैं। सुना है आप हमसे बेवफाई करके जा रहे हैं। आपसे नहीं, अपनी जात से बेवफाई कर रहा हूं। बीवी बच्चों ने आजिज कर दिया है, आपका मशवरा चाहता हूं। अब मशवरे का वक्त कहां रह गया? आप तो फैसला कर चुके हैं। आपके एक पाकिस्तानी दोस्त आप पर डोरे डाल रहे हैं। आपको ये इत्तला कैसे मिली? जोश साहब, मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। और आप ये भी सोच रहे हैं कि शायद आपकी तहजीब और जबान बदल जाएगी। मैं आपकी नज्म मात में आजादी सुन चुका हूं। आपका ख्याल सही है। फिर तो आपका हिंदुस्तान में रहना और भी जरूरी है, आखिर आप हिंदुस्तान के शायर हैं। आप ही बताइए क्या किया जाए। आपने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मेरा एक मशवरा है, शायद आपको पसंद है। आपका पाकिस्तान जाना मुनासिब नहीं है। आपके बच्चे जाना चाहें तो शौक से जाएं। हर साल आप 2-3 महीने के लिए चले जाएं, आपकी रुख्सत का इंतजाम कर दिया जाएगा। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मीर का एक शेर है आपके लिए, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। शुक्रिया। आदाब। क्यों, क्या फैसला करके आए? तुम बच्चों के साथ पाकिस्तान चली जाओ, हम यहीं रहेंगे। साल में एक बार मुलाकात के लिए आया करेंगे। लेकिन अभी तो सब साथ जाएंगे। बच्चे और तुम रेल से, हम हवाई जहाज से, हमारा पहले पहुंचना जरूरी है। जाएंगे तो
तुझसे हम रूठ के जाएंगे जब मिलेंगे तुझसे हम शायर आप अपना भला बुरा नहीं सोच सकते, खुद ही बताइए दो कश्तियों में सवार होकर आप जिंदगी का सफर कैसे तय कर सकते हैं। अब आप पाकिस्तान आ गए हैं, वापस जाने का ख्याल तर्क कर दीजिए। नकवी साहब, मैं जवाहरलाल को क्या मुंह दिखाऊंगा? जवाहरलाल निहायत शरीफ इंसान, बड़े दिल के, आपको माफ कर देंगे। Yeah.